भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था और इसका सबूत पकड़े गए 280 करोड़ रुपए हैं। कमलनाथ अपनी साख बचाने के लिए छिंदवाड़ा से किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान कांग्रेस के साथ नहीं है। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हो गया है। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो वे छिंदवाड़ा में जाकर अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कहते हैं छिंदवाड़ा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसी कानून का वे विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ही दुम ही राजनीति करती आई है। केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी एवीएमसी एक्ट नहीं है। शर्मा ने कहा कमलनाथ तो अरुण यादव के कंधों पर बोझ डाल के चले गए थे, उसके बाद दिग्विजय सिंह आए। कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी होती रही है। शर्मा ने कहा कमलनाथ को मध्य प्रदेश से कभी लगाव नहीं रहा और यह छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है। बड़ी मुश्किल से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने सीट जीती है। कमलनाथ जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो है ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को भी याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, इन कानूनों के साथ खड़ा है। मीडिया के सारे मित्र जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सुना था कानून के समर्थन में। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। और कमलनाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया था, इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कमलनाथ जी को बताना चाहिए। देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। झूठ छल कपट के आधार पर ही केवल राजनीति नहीं हो सकती। और कमलनाथ जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा के अंदर तो हमने 10 साल पहले शुरू कर दी थी, ये कोई हम लोगों ने नहीं कहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून का एक अहम हिस्सा है और कमलनाथ जी कहते थे कि ये हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी। तो कमलनाथ जी, जरा आप ये बताइए कि अगर, और वहाँ के फार्मर्स के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों ने बयान दिए थे, आपके मीडिया के मित्रों ने ही छापा था, ये किसानों के बहुत हित में है आज के समय में, तो कमलनाथ जी आप ये दोहरा चरित्र, एक ओर आप ये कहते हैं और दूसरी ओर आप ये कहते हैं। केरल में आपकी सरकार है, केरल के अंदर एपीएमसी एक्ट वहाँ पर नहीं है, तो आप वहाँ विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ तो विरोध करने के लिए आप नहीं गए, एपीएमसी एक्ट वहाँ भी लागू होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से कमलनाथ जी ने जो आज बयान दिए हैं, तो मुझे तो, मैं तो पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी, आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो वहाँ छिंदवाड़ा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो किसान आंदोलन में वो कहीं थे नहीं, और अरुण यादव जी को उन्होंने पूरा भार सौंप दिया और उसके बाद ही वो गायब हो गए, फिर दिग्विजय सिंह जी उनके साथ लग गए। ये कांग्रेस का अंतरकलह, अंतर्द्वंद लगातार आज भी उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस काम में लगे हैं। आपके नौजवान पुत्र उतरे थे मैदान में, छिंदवाड़ा की जनता ने उनको भी बताया था, शायद ध्यान में हमको होगा कितने मतों से जीते थे, आगे क्या होगा ये छिंदवाड़ा की जनता भी आपको बता देगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।